नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या ऐसी दो चीजें हैं जो मैंने 2020 में सीखी और वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब सैक्रिफाइस क्यों करना है ये आप सबको मालूम है। आप सब लोग आपकी पीएचडी कर रहे हैं, आपकी रिसर्च कर रहे हैं या कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ पीएचडी करने में ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और कामों के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ एक्चुअल में अचीव करना है, एक्चुअल में कुछ लाइफ में उखाड़ना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पर क्या सैक्रिफाइस करना है ये आप लोगों को डिसाइड करना है। मैंने जो सैक्रिफाइस किया है वो दो पॉइंट्स में आज आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब वो क्या होता है कि आपने कोई एक टास्क खुद को दिया कि हाँ मैंने ये काम करना है, वो काम कर लिया, अब यू फेल्ट गुड कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। अब उसका रिवॉर्ड एकदम से खुद को नहीं दे है ना। आज आपका अगर स्टाइपेंड आया है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आज ही उसको खर्च करना है, या आज आपका पेपर कहीं पे एक्सेप्ट हुआ है तो इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट कि आज ही पार्टी करनी है। इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन आप करें। ये एक चीज आप इजीली सैक्रिफाइस कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसे काम को आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं जिसमें इनपुट बहुत हाई है और आउटपुट बहुत कम है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसका क्या है, आपकी वेब सीरीज को देखना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, उसमें इनपुट क्या जा रहा है आपके लाइफ के 8 से 10 घंटे, क्योंकि कोई भी एक एपिसोड जो है आजकल की वेब सीरीज का वो एक घंटे से कम नहीं होता। तो अगर 8 भी एपिसोड्स हैं तो 8 घंटे सिंपल जा रहे हैं और आउटपुट क्या आया, ओके आई नो कि उस वेब सीरीज की कहानी क्या है, या फिर मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा कि आप फ्रेंड्स के बीच में बैठ के उस टॉपिक पे बात कर पाएंगे। बस उससे ज्यादा आउटपुट। और एक थर्ड एलिमेंट है एंटरटेनमेंट का, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बिकॉज वहां पर आप खुद के माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप देख रहे हो। बट माइंड रिलैक्स ऐसा भी नहीं है कि 8 घंटे उसमें आपने आपके लाइफ के डहाल दिए। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सो ऐसा कोई भी काम जिसमें इनपुट बहुत हाई है पर आउटपुट बहुत कम है, उस काम को सैक्रिफाइस किया जा सकता है। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या सैक्रिफाइस करना है इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। अब ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको सैक्रिफाइस नहीं करना और आपको भी नहीं करना चाहिए। पहला आपकी स्लीप और दूसरा आपका ब्रेकफास्ट। ये दोनों चीजों को सैक्रिफाइस मत कर लेना। इनके अलावा अगर कुछ ऐसा है जो कि सैक्रिफाइस किया जा सकता है तो दैट यू कैन। दूसरा पॉइंट, स्किल्स आर एवरीथिंग। हम सबको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं या हमारे गाइड का नाम क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। हमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वी फील कि हाँ, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी पीएचडी अगर एक आईआईटी से है या आपकी पीएचडी आउट ऑफ इंडिया से है तो वो आपको कहाँ तक हेल्प करेगी? वो टैग आपको सिर्फ वहां तक हेल्प करने वाला है कि आपको एक जॉब तक पहुंचा दे बस, या फिर एक जॉब के एक स्टेप आगे पहुंचा दे। अगर 5 लोग हैं, आपकी पीएचडी आईआईटी से है, सो दे माइट थिंक कि हाँ दिस गाय कैन बी गुड, बस वहां तक। बट व्हेन यू आर इन योर जॉब, वहां पर आपका वो टैग काम नहीं करने वाला, वहां पर आपके स्किल्स काम करेंगे।
अगर आपके जॉब में चाहिए दैट यू नीड टू वर्क ऑन दिस, तो वो आपका, और वो चीज़ आपको आती है तो वो आपका स्किल है। चाहे आपने बहुत बड़ी प्लेस से भी PhD किया हो, बहुत सही काम भी किया हो, बट एट दैट पॉइंट अगर आप वो काम नहीं कर पाए तो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो स्किल्स आर एवरीथिंग। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मेक सेंस कि आप कहाँ से PhD कर रहे हैं। चाहे एक बहुत ही सिंपल कॉलेज से या बहुत ही सिंपल लैब से भी आप PhD कर रहे हैं, बट इफ यू हैव दो स्किल्स, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व थिंग्स, इफ यू नो हाउ टू डू वर्क, देन यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट। और एनी हाउ एम्प्लॉयमेंट ही हमारा अल्टीमेट एम होता है। हमने 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 हमारा बै हमने हमारा बै 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 बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, अब डॉक्टरेट तक आ गए हैं। क्यों? सो दैट वी कैन गेट सम गुड जॉब एट सम गुड प्लेस। तो एम्प्लॉयमेंट ही तो अल्टीमेट एम है ना। और एम्प्लॉयमेंट आस्क फॉर व्हाट? योर स्किल्स। दैट टैग माइट टेक यू, इट माइट हेल्प यू इन योर वेरी अर्ली स्टेजेस, बट अल्टीमेटली आपके स्किल्स ही काम आने वाले हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट टैग, इवन इफ यू डोंट हैव दैट टैग, गो फॉर योर स्किल्स। ये दो चीजें हैं जो मैंने इस साल में, इस 2020 में मैंने सीढ़ी सीढ़ी सीखी थी, और आज मैं वही दोनों पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर तो आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर ही दियो यार। अब तो बहुत बार बोल दिया मैंने। टेक केयर।